ये आरोप लग रहा है कि आप यहाँ अवैध वसूली हो रही है। कुछ नहीं, गलत आरोप। कैसे मान लिया जाए? क्यों नहीं मान लीजिए? क्या सबूत आपके पास का अवैध वसूली? ये जो प्रबंधक आप ये आरोप लगा रहे हैं, कोई नहीं, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आइए प्रबंधक से पूछिए जी, आपके प्रबंधक कह रहे हैं कि विजिलेंस, यूपी विजिलेंस, यूपी विजिलेंस। जैसे आप कोई भाई से भ्रष्टाचार की कोई चीज स्पेसिफिक शिकायत पकड़वाना चाहते हैं, मेन चीज ये है ना, अब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आना पड़ेगा वहाँ। सर आपके साथ कोई और भी आपके मतलब गोरखपुर से आते हैं, वो जब उन्हीं के गाड़ी में बैठ के आए और फिर चले गए, कह रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा, नोटिस चस्पा कर रहे हैं और उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है, तो ये क्या मामला? चलिए बकरी भाई, हमने बताया भाई, हम चलिए सर, हम लोग आपसे बात करेंगे सर। अगर आप हमको बारे में कुछ हो, मदद चाहते हो, कुछ पकड़ा है, हमको बड़ी खुशी होगी। ठीक है, एकदम एकदम। ऐसा है कि करना तो परिषद को है, लेकिन हम लोग इन पर दबाव डाल सकते हैं, इनसे अपनी बात कह सकते हैं, इनके माध्यम से भेजवा सकते हैं। अब करें न करें ये तो परिषद का काम है, तो लेकिन इन पर अपना जो अधिकार है, जो हम लोगों के मान लीजिए हम अधिकारी हैं, अपनी बात इनसे। आज आप जब मिलने आए तो क्या आप लोगों से झड़प हुई क्या इनके? नहीं, झड़प तो नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, उसी संबंध में बात हो रही थी। अब बताइए, मान लीजिए परीक्षा अब इसका निस्तारण परिषद से हो ही नहीं रहा है, तमाम समस्या परेशानी से घिरा हुआ है, उसमें भी ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जबकि मान लीजिए कि लड़के हाई स्कूल करके हम लोग आईटीआई में प्रवेश लेते हैं, तो यहाँ का नोडल अधिकारी जानकारी क्यों नहीं दे रहा है? है? जो प्रदेश सरकार से, जो प्रदेश से जो सूचनाएं आती हैं, वो क्यों नहीं जानकारी दे रहा है? नहीं, जानकारी उनका यही कहना है कि अभी कोई वहाँ से सूचना नहीं आया है, जैसे ही आ रहा है आप लोगों को जानकारी इसकी दे दी जाएगी। तो एक हफ्ते के अंदर में ये बताया है कि मतलब जल्दी से उसका सुधार होगा, जो भी जैसे भी वहाँ से जानकारी मिलती है आपको सूचना देंगे, इसके लिए प्रदेश स्तर पर व्यवस्था हो रही है। आरोप चाहिए बीटेक में लागू करना चाहिए, ऐसी कौन सी परिस्थिति आई, कौन सी ऐसी समस्या हुई कि आईटीआई में ही लागू कर दे? क्या आईटीआई के लड़के ही इतने तेज हैं जो हाई स्कूल करके आते हैं आईटीआई करने के लिए? अभी रोज 8 पास करके 8-10 पास करके लोग आते हैं, क्या वही विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध कर रहे हैं, 16 को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। आगे की रणनीति क्या डीएम के माध्यम उन्होंने जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है उसको मैंने ऊपर भेज दिया। अच्छा, परिषद तो ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे बच्चे एक साथ? अगर बाय द वे कॉपी जांच में कोई कमी हुई होगी, कोई मिस्टेक हुआ होगा, उसको सुधार करेगा परीक्षा परिषद। और अगर बाय द वे बच्चे कुछ लिखे ही नहीं हैं, उनका परीक्षा ही खराब हुआ है, तो सही रिजल्ट। सर कुल संख्या कितनी थी परीक्षार्थियों की? 8,000 की आबादी। इसमें पास कितने हुए, कितने फेल हो गए? 30% करीब फेल हो गए हैं, बाकी पास है। कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनको केवल शून्य नंबर मिला है एक ही विषय में? शून्य नंबर के परसेंटेज एक के दुखे होंगे, परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं, 2% नहीं, मास लेवल पे नहीं है, 2% मान लीजिए, इतने होंगे, ज़्यादा नहीं। आखिर ये किन परिस्थितियों में शून्य आता है? हाँ, ये मैं भी क्वेरी कर रहा हूँ, जो रिप्रेजेंट किए हैं, मैं परीक्षा परिषद से क्वेरी कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? एक नंबर मिल सकता है, दो नंबर मिल सकता है? हाँ, मैं खुद स्वयं क्वेरी कर रहा हूँ। आप का मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, आप रिजल्ट खराब हो, आप रिप्रेजेंट किया था, मैं सिस्टम में जो हमारे जहाँ से रिजल्ट बनता है, जहाँ कापियाँ जाती है, जाँच होता है, वहाँ मैंने भेजा है। तो आपके विद्यालय में जो आपका अपना विद्यालय है आईटीआई गवर्नमेंट का, उसमें कितने बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से? ये जनरल है, सरकारी प्राइवेट दोनों में ये रिजल्ट का मामला दोनों में, सिर्फ प्राइवेट का नहीं, इसमें दोनों शामिल। अच्छा, इस तरह के रिजल्ट मूल कारण क्या हो सकता है? कारण बता दिया, या तो मिस्टेक हो सकता है, काफ़ी जांच नहीं हुआ हो, या ये कि बच्चे उस सब्जेक्ट में जिसमें फेल हुए हैं उनकी जानकारी कम रही है उनके ज्ञान के अनुसार। शून्य नंबर चार समझ कह रहे हैं आप, ये एब्सेंट, ये गुप्ता जी, शून्य नंबर। हाँ, शून्य नंबर भी हो सकता है ना, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो शून्य तो पाएंगे, क्यों शून्य क्यों नहीं होगा? जब आप कुछ नहीं लिखेंगे कॉपी पे तो शून्य नहीं मिलेगा।